अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां रेड लाइट एरिया बदनापुरा गांव में रविवार सुबह पुलिस ने ऑपरेशन सर्च चलाया। 150 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की टीम ने इलाके के एक एक घर को सर्च किया। 6 लड़कियों को नाबालिग जानकर पुलिस थाने ले आई। डॉक्यूमेंट दिखाने पर 3 छोड़ दिए गया, बाकी 3 लड़कियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। लड़कियों की उम्र 10 से 16 साल के बीच, पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। बदनापुर इलाका लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है। बदनापुर गांव मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर शहर के पुरानी छावनी इलाके में है। इससे पहले जब भी गांव में पुलिस ने एंट्री की तो विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ दिन पहले मुरैना के आश्रम से गायब नाबालिग की लोकेशन यहां मिली थी। इस पर मुरैना पुलिस दबिश देने पहुंची तो गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ बदनापुरा में छापा मारा। ये इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। पुलिस जब गांव पहुंची तो गांव के लोग सहमे खड़े रहे। बदनापुरा के 4 घरों से पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया, 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। एक युवक पुलिस के हाथ से निकल गया। इस बीच बनापुरा के पार्षद पीसी शर्मा ने विरोध जताया। उनका कहना है कि पुलिस ने आज तड़के कार्रवाई की है, 10 से 12 लोगों को उठाया है, लेकिन बता नहीं रहे कि उनका क्या आरोप है। बदनापुरा वार्ड क्रमांक 5 में आता है। पकड़ी गई 6 लड़कियों को जब पुलिस थाने ले आई और महिला पुलिस ऑफिसर उनकी काउंसलिंग कर रही थी तो पता लगा कि उनमें से 3 लड़कियां बदनापुर की हैं। बाद में उनके परिजन भी दावा करने थाने पहुंच गए, लेकिन 3 अन्य लड़कियों को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। उनके संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है, ऑपरेशन को लीड कर रही। एएसपी शहर में ग्राम की डेका ने बताया कि बदनापुरा गांव में मानव तस्करी की सूचना मिली थी। 10 से 16 साल की 6 लड़कियां संदिग्ध मिली थी। बाद में 3 लड़कियों के डॉक्यूमेंट मिल गए। 3 लड़कियों अपनी निगरानी में लिया है। नहीं, हमको तो हमारे क्षेत्र के ये मतदाता हैं, हमारे वोटर हैं, ये सुबह आए, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ रात में 3 बजे दबिश दी गई और अनायास बुलाया सबको, किसी की मारा पिटाई, किसी कागज या उठा के लाए हैं तो जानकारी नहीं दी, तो हम लोग जानकारी लेने आए हैं। क्या जानकारी है? अगर अपराधी हैं, कुछ लिप्त हैं, कोई उसमें हैं तो कार्रवाई की जाए, और नहीं है तो निरपराध है तो छोड़ा जाए। हाँ, हमें इनपुट मिला गया था कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, ऐसे लड़के रखी गई है। तो हम इसलिए आज अर्ली मॉर्निंग गए थे ये देखने के लिए कि वो जो बच्चियाँ हैं कि वो उन्हीं का है कि वो खरीद के लेके आया है या कहीं और से लेके आया है कुछ धंधा करने के लिए। तो हम उनके बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे कि माता पिता कहाँ है, तो उनमें से 6 संदेह लग रहे थे, लेकिन उनमें से हमने 3 ही अपने पास रखा जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है।